फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर 65। बहुत ही चटपटी और यम्मी डिश है और मेरी तो बहुत ही फेवरेट डिश है। बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाती है और आज हम इसे बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ 250 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है और इसको मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। आपकी जैसी मर्जी हो, बड़ा या छोटा काटने की, आप वैसे पनीर को काट सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और इसे हम इस तरह से फैला के डालेंगे। यहाँ आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, मैं इसे थोड़ा चटपटा बनाने वाली हूँ। आप मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है मैंने और उसे कूट लिया है, और वो भी इसमें हम मिला देंगे। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ फिटी हुई दही ली है और वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम मिला लेंगे। तो मैं इसमें अपने हाथों का यूज करूंगी, आप चाहे तो चम्मच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पनीर काफी सॉफ्ट होता है, चम्मच से टूट सकता है, इसलिए हाथ से हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे, ताकि जितनी भी चीजें हमने इसमें डाली हैं वो पनीर में बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाए। और जब सभी चीजें पनीर में अच्छी तरह से मिल जाएंगी, तो इसमें अब हम मिलाएंगे 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच में भर के इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। और पनीर को हम डीप फ्राई करने वाले हैं, तो पनीर में जो भी क्रंच आएगा वो इसी कॉर्नफ्लावर और मैदे से ही आने वाला है। और अब मैं इसे वापस से हाथों से अच्छी तरह से मिलाऊंगी, जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है वो पनीर में बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। पनीर में हमने जो दही डाला हुआ था उसकी वजह से पनीर गीला है, और उसी की वजह से कॉर्नफ्लावर और मैदा उसमें स्टिक हो जाएगा। और अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो चलते हैं हम तेल की तरफ। और तेल को मैंने कम आंच में गर्म कर लिया है, और जैसे ही तेल हो जाएगा तो उसके बाद एक एक करके हम पनीर को इसमें डाल लेंगे। और जब सारे पनीर डल जाएंगे तो आंच को हम मीडियम कर देंगे, और पनीर को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे सेकेंगे। और जब 3 मिनट हो जाएंगे पनीर को सिकते हुए, तो आंच को बिल्कुल तेज कर लेंगे हम, और इसमें अच्छा सा कलर आ जाने तक सेक लेंगे। इसे तेज आंच में सिकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे, और इसमें अब बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो आंच को कर देते हैं बंद और इसे अब हम निकाल लेंगे। और देखिए कितने क्रंची बने हैं ये, इससे बहुत क्रंची आवाज आ रही है, बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं। मैं तो एक टेस्ट करने वाली हूँ, तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत टेस्टी है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए इसे अब हम छौंक लेते हैं। एक मोटे तले की कढ़ाई को गैस में गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे, और इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरे का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा, यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है, वो अब हम इसमें डाल देंगे। और लहसुन का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है और ये अच्छी खासी तीखी है। और मिर्च के साथ ही इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते, और ये 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं। और कड़ी पत्ता डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कड़ी पत्ता डालने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो गई है। और जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम इसका मसाला बना लेते हैं। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून दही ले लिया है और इसे अच्छे से फेंट लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि पनीर में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो नमक बिल्कुल अंदाजे से हम डालेंगे। और आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला, और आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/4 छोटा चम्मच रेड कलर, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और कलर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो मत मिलाइए, आप इसकी जगह 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं, उससे भी कलर आ जाएगा।
लेकिन वो रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं तो एकदम रेड रेड पनीर 65 रहता है, इसलिए मैं इसमें कलर मिला रही हूँ। और अपने रेड कलर की वजह से ही पनीर 65 काफी टेम्पटिंग लगता है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ आधा छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, इससे दो चीज हो जाएगी, जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी भी हो जाएगी और दूसरी ये चीज हो जाएगी कि हम तेल में जब दही डालेंगे तो दही फटेगा भी नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्याज को, क्योंकि प्याज में बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें सॉस वगैरह डाल देते हैं। और इसमें मैं मिला रही हूँ एक छोटा चम्मच के करीब रेड चिली सॉस, और एक छोटा चम्मच ही मैं इसमें टमाटो केचप भी मिलाऊंगी। और इसके बाद जो दही में हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो अब हम इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और आँच को इस वक्त हम कम रखेंगे क्योंकि इसमें हमने दही डाला हुआ है, अगर तेज आँच की है तो दही फट सकती है। और इसे मैं कम आँच में 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी और इसे हम चलाते रहेंगे। और जब 3 से 4 मिनट हो जाए इसे भूनते हुए, तो इसमें हम थोड़े से प्याज के पत्ते डाल देंगे, करीब 2 चम्मच है ये। और 2 हरी मिर्चियाँ ली है मैंने, जिसे 20 से 2 टुकड़ा कर लिया है, और वो इसमें अब हम डाल देंगे। और मैंने यहाँ एक प्याज ली है जिसे चौकोर टुकड़ों में काट लिया है और इसके सारे रेशे निकाल लिए हैं, वो मैं इसमें भी डालूंगी क्योंकि हम पनीर 65 में काफ़ी सारी मिर्ची डाल चुके हैं, तो मिर्ची को प्याज की मिठास बैलेंस कर लेगी। और एक बार चला लेने के बाद हम तुरंत ही इसमें पनीर डाल देंगे। और पनीर को हम बिल्कुल लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें पनीर में क्रंच चाहिए। और हल्का सा इसमें मैंने पानी डाल लिया है, करीब 2 टेबल स्पून के करीब। और पानी डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो पनीर में बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो जाएं। और देखिए ये बिल्कुल हो गया है, गैस को कर देते हैं बंद। और बिल्कुल फ्रेश हरी धनिया हम इसमें डाल लेते हैं और निकाल लेते हैं इसको एक अच्छी सी सर्विंग डिश में। तो देखा आपने, रेस्टोरेंट वाला पनीर 65 हमने कितनी आसानी से घर में बना लिया। फ्रेंड्स रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा घर में, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपको अब अपनी अगली डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।